दांत भी तुमने निबंध लिख दिया, बच्चों के दांत दो के होते हैं, बड़ों के दांत दो बारह नंबर आए, ऐसे इंसान जैसे लिखते हैं। क्या सिक्स सेवेंथ एट पास के बिना ही आ गए टेंथ में? बंद नहीं लिखना, उस पर वो लिखना है, एक्सप्लेन करना है, डेटा देना है। गणेश जी एक दंत है और हाथी के दांत दिखाने के होते हैं। और किसी का रह गया दिन ऐसे होते हैं कि वो सबको याद रहते हैं। अभी तक हमें टेंथ के मार्क्स याद हैं, किसी को नहीं, ना ही ट्वेल्थ के भी नहीं याद रहते। तो टेंथ के लिए हमें बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए। इवन आप किसी भी पर्सन से पूछ लो मैथ्स में टेंथ में कितने थे, तो ये जो टेंथ का रिजल्ट है, नाइन्थ तक तो हम किसी को कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन दसवें में आपको बहुत अच्छे से करना होता है। तो सिंसियरली करो, अभी से करो। ये सोच रहे हो कि आठवीं दिन कर लेंगे, ऐसा सोच रहे हो क्या? देखिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम सो द ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट मेटीरियल्स इन साइड बॉडी। वो मेटीरियल्स में न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड वाटर सब आ जाएगा। मेटीरियल्स दैट इज न्यूट्रिएंट्स, गैसेस भी आ जाएंगी, वेस्ट भी आ जाएगा एंड वाटर इनसाइड बॉडी। इस कॉल्ड ट्रांस सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के दो टाइप हैं, उसमें एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। सो इट इज ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जैसे सड़कों पे चीजें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, वैसे हमारी बॉडी में भी होती हैं। ओके, सो इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज। इसके चार ऑर्गन हैं, इसमें ब्लड को नहीं लिया गया। सो इट्स ऑर्गन्स आर हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। Now, heart is a pumping organ. Heart is
pumping organ which pushes the blood to various parts of body under pressure. तो ये ब्लड को प्रेशर के साथ फ्लो कराता है. Through which blood flows is called blood vessels. There is a network of blood vessels through our body. Various parts of body. Okay, so there is a network of blood vessels. So some vessels bring back deoxygenated blood to heart. Via NRV valves, non-return valves. Called veins. While some blood vessels which are thick and elastic transport oxygenated blood from heart to different parts of body. Under pressure, triangular shape and having a size of clenched fist, band mutthi ke barabar hota hai. Thank you.
टू एट राइट दैट इज राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल हैविंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. Clinch the fist, back number three. Having deoxygenated blood. तो जो right के दोनों chambers हैं, उनमें deoxygenated blood है. Why? Two at left. That is left atrium. Left ventricle, Gary and pump. हर चैम्बर पंप करता है. राइट एट्रियम भी पंप करता है तभी वो वॉल्व से नीचे गिरता है. फिर वहां से पंपिंग होती है. फिर वहां से पंपिंग होती है. ऑल फोर चैम्बर्स आर एबल टू पंप. सो एंड पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड. All four chambers are engaged in pericardium, जिस मस्कुलर के अंदर ये रखे हुए हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? It is known as pericardium. मान लीजिए this is human heart. तो इसके चार चैम्बर हैं. इसमें ये चैम्बर खुलेगा तो ये ऊपर का है. तो यहाँ से सबसे पहले ब्लड आएगा. देखो यहाँ से आएगा तो इस पे गिरेगा. जब इसमें आ जाएगा ये है जो हमारे राइट में तो राइट है. देखिए इसको बंद कर दें तो फिर ये खोलिए. फिर इसमें जाएगा नीचे वाला. तो नीचे वाला जब खुलेगा ये खुल जाएगा. ठीक है तो इसमें चला जाएगा. ये क्या है? राइट वेंट्रिकल. फिर इसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि ब्लू वाला वीना कावा है. सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना का. जो ऊपर है सुपीरियर वीना कावा और नीचे वाले को इंफीरियर वीना कावा. दो वीना कावा हुआ है. अपर लोअर निकाल जाते हैं और फिर वो दोनों इसमें चले जाएंगे. फिर यहाँ राइट में देखो ये सब क्या है. इसी में से एक एट्रियम है और एक जो ऊपर जा रहा है वो पल्मोनस में जा रहा है. और ये जो घुमा हुआ है वो किस में जाएगा? ये दैट इज आओर्टा, मेन आर्टरी है. तो इधर पर भी एक ऊपर है. मान लीजिए मैं इसको खोलता हूँ. इसका क्या नाम है टिशू? लेफ्ट आर्टरी. बहुत बढ़िया. अब लेकिन आप साइंस का ही पेपर होगा तो क्या छोड़ोगे? क्या पूरे पेपर छोड़ोगे? तो साइंस होने जा रहा है. और ये क्या है? सही है. ये क्या चीज है? बहुत अच्छा. इतनी बात हो गई. तो ये चीज हमारा क्या ये ट्रेंगुलर शेप में दिख रहा है आपको? दिस इज ट्रेंगुलर शेप. इसको पीछे भी बढ़ा दीजिए. देख रहे ऐसे ही हार्ट में चार चैम्बर हैं. तो ये देखो दीज आर द फोर चैम्बर. इसको निकाल दिया जाए तो चारों चैम्बर इसमें दिख रहे हैं. ऊपर का हटा दो. सो दीज आर द वेरियस चैम्बर थ्रू विच कहाँ गिरा? चल इसको देखे. इसके चार चैम्बर. इसका ये एट्रियम देखिए पीछे. फूल काट ना समझ में आए तो पूछ लो. तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया कि दो में ब्लड ऐसे रहता है. आगे का देखो. इसको हटा दिया. हटाने का ले लिया. लिख लो. चलो टिश्यू लिख लो.
देयर इज 78 काउंट पर मिनट, हार्ट बीट्स 78 टाइम्स पर मिनट। जैसे ये है हार्ट, पहले ऊपर वाला ये दबेगा, ये दबेगा, देखो ये दबा पहले, ये जो कि राइट का होगा कि नहीं। अगर हम राइट की बात करें तो पहले ब्लड आया इसमें, तो ये दबा, इसी में तो आएगा ना ब्लड, पहले मीना का वसे ये दबा, फिर ये दबा, फिर कौन सा दबेगा, ये, क्योंकि यहाँ आएगा ये, ये तो ये 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 टिप टिप ऐसे ऐसे बार रहो, और इस तरीके से ये 78 पल्स है। जब ये वाला दबेगा यहाँ से ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, ये दबाएगा तो यहाँ पर जब तुमने हाथ रखा था ना तो वो 1 पल्स काउंट होगा, डिप डिप, तो ये तुमने देखा था, पता तो चल रहा है ना तुमको, ठीक है। अच्छा कुछ इसमें हमने कहा था ना सब क्रेवियन वेन्स, वो भी इसी में गिराती है, पूरी बॉडी से ले जाती है। ये देख लो, एक इसमें सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा है और एक वेन है सब क्लेवियन वेन, वो लिम्फ गिराएगी, वो भी तो इसी में गिराएगी ना, पूरी बॉडी से इकट्ठा करके कहाँ गिराएगी, तो एक सब क्लेवियन वेन है, एक वीना कावा। तो लिम्फ, लिम्फ का मतलब पूरी बॉडी का प्लाज्मा, वो भी डाइट वाले। अब चला देखो, अभी पता चल जाएगा, इतना समझ में आ गया। तो अवर हार्ट बीट्स 78 काउंट्स पर मिनट, तो रिस्ट में ये जो वेन है, वी कैन काउंट द पल्स रेट एट दिस आल्सो, क्योंकि जब तेजी से भरेगा तो क्या डिप की आवाज नहीं आएगी, वहां से पंप किया तो यहाँ पर भी वही चीज आती है, तो ये जो काउंट है वही पल्स रेट है, यही हार्ट की बीटिंग करे है ना। तो हेल्दी ह्यूमन हार्ट बीट्स एट रेट ऑफ 78 बीट्स पर मिनट अंडर नॉर्मल कंडीशन। जब दौड़ोगे तो ये तेज हो जाएगा, क्योंकि तुमको इससे ज्यादा एनर्जी देनी है ना। रेट ऑफ 78 काउंट्स या बीट पर मिनट अंडर नॉर्मल कंडीशन। This also can be experienced by pulse rate. आपका जो पल्स है ना, नब्ज, इसको नब्ज कहते हैं। This also can be called as pulse. देखिए जब ये हमारे तरफ से ये लेफ्ट एट्रियम ऐसे पुश करेगा तो ब्लड बहुत तेज प्रेशर में फ्लो करेगा, तो व्हेन ब्लड फ्लोज अंडर प्रेशर, और कभी कभी जब ये पुश करेगा तो उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहेंगे, सिस्टोलिक का, जब पूरी तरह से दबाएगा तो क्या जो आर्टरीज है उनमें बहुत तेज प्रेशर होगा, वो 120 mm ऑफ HG है। मर्करी होता है ना, मर्करी का लेवल ऊपर उठ जाता है जितना बाहर से प्रेशर लगाओ अपने कॉलम में, तो उसको कितना एक्स्ट्रा है। वैसे जो बाहर प्रेशर है वो जानते हो कितना एक्स्ट्रा है, जो बाहर प्रेशर है वो 760 mm ऑफ HG है। इसका मतलब समझो, इसका मतलब होता है कि अगर कभी तुमने पानी में ऐसे उल्टा मग रखा है क्या, तो पानी से भर जाता है और फिर तुम छोड़ो तो भी ज्यादा, ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया है, पानी का मग अंदर डालो फिर उठाओ तो उसमें भर जाएगा पानी, या कभी भी ऐसे ट्यूब में भी डालो तो पानी भर जाएगा उल्टा करके, तो ऊपर तक भरा रहेगा कि नहीं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें चारों तरफ से एयर प्रेशर है, अब कितने किलोमीटर का एयर प्रेशर है, 500 किलोमीटर का एयर कॉलम है, तो वो जब प्रेस करेगा, तुमने इसके अंदर का तो वैक्यूम भी निकाल दिया है, तो ये पानी इसके अंदर जाएगा। अब मान लीजिए तुम ट्यूब में पानी में ट्यूब लाओ और ऐसे उठा लो, खाली ट्यूब डालो ना पानी के अंदर, ऊपर थंब से पकड़ के उठाओ, तो क्या पानी उसमें चढ़ा हुआ होगा, यस इट इज, और कितना चढ़ा हुआ होगा, जब 3 मंजिल चले जाओगे 10 मीटर तब तक चढ़ा रहेगा, फिर उसके बाद पानी जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे तो क्या पानी का भी प्रेशर उसके लेवल पर है, पानी भी तो बढ़ता जा रहा है कि नहीं, तो ऊपर चलते चले जाओ, ऐसा तो नहीं कि तुम इसको
मून तक चले जाओ, इतना प्रेशर है कि मून तक पहुंचा दे, 3 मंजिल तक पहुंचाएगा, और फिर उसके बाद जब जाओगे तो वो वहीं रुक जाएगा, फिर तुम ट्यूब चाहे जितनी ले जाओ। तो यानी बाहर से इस लेवल पर पड़ने वाला प्रेशर बाहर से कितना पड़ रहा है, और यहाँ पर जो पड़ने वाला प्रेशर जब सेम हो जाएगा तो उसी वहीं तो पानी रुक जाएगा, फिर थोड़ी जाएगा। अब मरकरी तुमने देखा कितना हैवी होता है, मरकरी उठा के देखा है, इट इज वेरी हैवी। तो मरकरी का अब जरा देखें प्रेशर क्या होता है, इट इज सो हैवी। क्या भारी लग रहा है, जबकि आधा भरा हुआ, पूरा भरा होता तो नहीं। अब मान लीजिए मरकरी भर दे किसी कॉलम में तो क्या होगा, मरकरी ज्यादा हैवी होता है कि सोना, वही सही बताएगा, उत्कर्ष जो प्रॉपर है तो 1.5 गुना ज्यादा सोना है मरकरी से। ये पानी से 13.6 टाइम्स हैवी है, और जबकि पानी से 19.8 टाइम्स हैवी है सोना, 9th में पड़ा है रिलेटिव। ये बहुत डीपली पड़ता है उत्कर्ष, तुमको पूरी बात बताई जाएगी कि हार्ट अटैक क्या होता है, मेडिसिनल इफेक्ट्स क्या होते हैं, हर चीज बताएंगे। और तुम तब तक पेशेंस रखो, उत्कर्ष से मत पूछ लेना, हर चीज तो पीछे से पूछ लेते हो। इससे भी भारी सोना, गोल्ड इससे भारी, पानी से 19.8 टाइम्स हो जाएगा। इतना मरकरी 7,000 का है, मरकरी तो बहुत कॉस्टली होता है। और अगर इसकी तुम्हारे नाक में वेपर चली जाए तो 3 महीने में डेथ है। मरकरी के वेपर बहुत डेंजरस होती है, बहुत सारे डॉक्टर और इंजीनियर और बायोलॉजिस्ट मर चुके हैं। एक पार्टिकल हल्का सा भी चला रहा है तो मरकरी के साथ ऐसा कभी खेल नहीं करना, ब्रेन में सीधा अटैक करता है। अभी पार्टिकल इतनी बात समझ आ गई तुमको, तो अब जरा देखो, इट इज कॉल्ड पल्स रे। आगे का देखो, प्रेशर के बारे में अभी बताएंगे, तो उसमें जो ब्लड अंदर है वो प्रेशर के साथ बहता है। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ये पूरा मरकरी का ट्रफ है, मरकरी का ही ट्रफ है, और इसमें उल्टा मैं ट्यूब लटका दूं, उसके अंदर भी मरकरी जाएगा, तो कितना ऊपर तक जाएगा, यानी अगर यहां तक जाएगा मरकरी, दैट इज 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर छोटा मोटा नहीं होता है, 2.5 फीट, 1 फीट इतना बड़ा है, 2 फीट, 3 फीट, इतना मरकरी का कॉलम। तो वो मरकरी का जो कॉलम है, क्या उस कॉलम की वजह से यहाँ प्रेशर पड़ रहा होगा, इस कॉलम की वजह मरकरी भरा पूरे में, तो इसका यहाँ प्रेशर और बाहर वाले का भी प्रेशर क्या है बताओ। बाहर वाला तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ना, ये किसका प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बाहर हवा का प्रेशर। और पास्कल ने क्या बता दिया था बताओ, कि एट सेम लेवल ऑफ लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल पोजीशंस और ऑल प्लेसेस। एक लेवल पर प्रेशर एक जैसा होता है, तो बाहर किसका प्रेशर पड़ रहा है, क्या हवा का, और अंदर किसका प्रेशर पड़ रहा है, क्या मरकरी का। भाई मरकरी तुम्हारे हाथ में रख दें, तुम तो यहाँ 4 ही सेंटीमीटर में तुमको भारी लगने लग गया। अब मैं कहूँ नहीं 76 सेंटीमीटर रखूंगे, 4 सेंटीमीटर से ज्यादा थोड़ी ना, सोचो कितना होगा, मामूली चीज है क्या 4 सेंटीमीटर, तो इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना इसमें। और 76 का कॉलम रख दे उसका जो भार है, और समझो उतना ही भार एटमोसफेयर का तुम्हारे में लग रहा है। सो वॉट इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर, वॉट एवर इज द प्रेशर ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, द सेम प्रेशर इज एक्सर्टेड बाई एटमॉस्फेरिक कॉलम एंड इट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलो बात समझ आ गई, ये इतना ज्यादा प्रेशर है कि तुम्हारे हर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर 50 किलो का वजन है,
तो पूरे सर पे कितना होगा, जबकि पूरा सर जो है वो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 से मल्टीप्लाई कर दो 225। अब यही चीज मैन ऑन मार्स पिक्चर में देखी गई, वहां पर, यहां पर क्या है, जो बाहर से प्रेशर है वही तुम सांस भी ले रहे हो, तो अंदर बाहर का प्रेशर सेम हो गया ना मेम्ब्रेन पर, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब उसने सूट उतारा, स्पेस सूट मैन ऑन मार्स में, तो बाहर तो प्रेशर था नहीं और अंदर उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भरा पड़ा है, तो ऐसे उसका बॉडी में आंख ऐसे बाहर आई, पूरी बॉडी ब्लास्ट हो गई। तो समझो हम लोग चलता फिरता बॉम्ब है अगर कहीं दूसरे स्पेस में पहुंच जाए, क्योंकि अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भरा हुआ है और बाहर नहीं है, तो दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये मैंने कहा अगर बाहर के इस पॉइंट को ए मान लो और अंदर के इस पॉइंट को क्या मान लो बी, तो अंदर में प्रेशर क्या है बताओ जरा, यहाँ पर ए, तो दैट इज, अगर मान लीजिए मैंने ट्रफ ले लिया बर्तन और उस ट्रफ में क्या भर दिया मरकरी, तो मरकरी कुछ ऊंचाई तक जाएगा और उसके ऊपर क्या रहेगा बोलो, ये बहुत अच्छा होता है, कहते जब तुमने उल्टा करके किया तो हवा कहाँ रहेगी, आप उस, आपने पहले इसको किसमें डाला, बहुत महीन चीज सीखनी है तो उत्तर से सीखो, पहले इन्होंने ऐसे डाला और फिर इसको पलटा, अब ये वैक्यूम है, हवा को तो नहीं दबाया जा सकता ना उतनी तेजी से, तो ये वैक्यूम है, लेकिन फिर भी जो इधर बाहर की हवा का प्रेशर इस पर लग रहा है ए पॉइंट पर, वहां इतने का इस पर लग रहा होगा क्या, तो वो किसका लग रहा है, क्या ये एच जी है, और ये कितना है बताइए, दैट इज एच जी में 76 सेंटीमीटर बताया कि नहीं, और अब जरा देखो इसी को मैंने उठा दिया तो हवा थोड़ी ना रहेगी, मरकरी को तुमने ऐसे उठा दिया तो क्या है, वजन से जो आ जाए फिर खाली जगह है, दिस इज वैक्यूम, ठीक है। अब जरा देखिए, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बोलो, द प्रेशर एक्सर्टेड, द प्रेशर एक्सर्टेड बाई एटमॉस्फियर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, द प्रेशर एक्सर्टेड बाई एटमॉस्फियर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, दिस कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या देखिए, तो ये ए है और ये बी है, तो ये बताओ प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट, ऐसा क्यों मैंने बोला, क्योंकि एट सेम लेवल ऑफ लिक्विड, पास्कल ने बताया प्रेशर ऑल ओवर इज सेम, प्रेशर ऑल ओवर कैसा होगा, फिर से देखो मान लीजिए ये ऐसे देखो तब तुम्हें समझ में आएगा, समझो उत्कर्ष का बूट है, तो अब ये कार है, तो कार में बैठा हुआ है और इस पे प्रेशर लगा रहा है क्या, अब इसमें जब इसने पंप को दबाया तो पंप के दबाने पर यहां पर एक, यहां पर भी एक तरीके का पिस्टन है और यहां पर भी एक तरीके का पिस्टन है, अब इसी तरीके से यहां पर भी एक पिस्टन है और यहां पर भी एक पिस्टन है, तो ये फ्लूइड क्या चारों कार के पहियों में एक जैसा जाएगा, क्योंकि वो सेम लिक्विड बना है, और क्या चारों पहिए एक साथ रुकेंगे, ये पास्कल्स के लॉ के हिसाब से तुम्हारी कार के चारों पहिए एक साथ रुकते होंगे अगर तुम्हारे पास कार होगी, तो समझ आई बात कि नहीं, प्रेशर लगाया, जब तुमने उस पर पैर लगाया तो उसने फ्लूइड को प्रेस किया और वो फ्लूइड गया, तो क्या ये जो डिस्क है ब्रेक शू वो इस पर चपक जाएगा कार के अंदर वाले व्हील पे, तो कार रुक जाएगी, तो चारों व्हील रुक जाएंगी, तो ये किस लॉ पे काम करता है, पास, क्योंकि एट सेम लेवल ऑफ फ्लूइड द प्रेशर एग्जर्टेड इज सेम, सही है, तो इसलिए दैट इज एट सेम लेवल ऑफ फ्लूइड प्रेशर एग्जर्टेड इज सेम, तो प्रेशर सेम एग्जर्ट हो गया। अब जरा देखो
अब हम देखेंगे ये पास्कल्स लॉ है, एस पर पास्कल्स लॉ भी कह सकते हो, ब्लेज पास्कल ने लिया था इसको पास्कल्स लॉ, और इसी वजह से इनके नाम के अनुसार ही पास्कल प्रेशर की यूनिट बनी है। ना मानो तो शिव शर्मा से पूछ सकते हैं। बता देंगे कि की बात समझ आ गई कि नहीं, कि हमारे चारों ओर भी कुछ रास्कल हैं, लेकिन हर रास्कल पास्कल नहीं होता। आप पूछ सकते हो हर चीज। अब देखो प्रेशर एट बी कौन है बोलो, दैट इज प्रेशर एग्जर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मर्करी। प्रेशर एट बी क्या है, अंदर मर्करी लगा रहा है, बाहर कौन लगा रहा है, एटमोस्फियर। तो ये दोनों बराबर हुए तभी तो मर्करी ना नीचे आ रहा ना ऊपर, कोई बाहर से प्रेशर लगाए वो अंदर से, जब इक्वल हो जाएंगे तो ऊपर नीचे जाना बंद हो जाएगा। वो बाहर से प्रेशर लगा रहा था तब तक ये ऊपर जाता गया, लेकिन जब उसका भी सफिशियंट प्रेशर हो गया तो और नहीं जा पाएगा ना। तो ये क्या बताइए, दैट इज प्रेशर ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, मर्करी को हराजरियम भी कहते हैं HG, और दैट इज इस PA को क्या कहोगे, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। देखो लेकिन प्रेशर के तुमने नाइन्थ में क्या फार्मूला पढ़ा, क्या फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है बोलो, फोर्स, फोर्स या थ्रस्ट कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, और ये है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे ही वन एटमॉस्फेयर कहते हैं, ATM। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कहेंगे, वन ATM। अच्छा एक बात बताओ, फोर्स को तुम क्या कहते हो, ये जो फोर्स है क्या तुम फोर्स, फोर्स ही वेट भी है क्या भाई, अगर एक तरीके से जो तुम्हारा वेट अर्थ की ओर लगा वो भी तो फोर्स ही है। वेट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ। तो जो ये नीचे पूरा इस मरकरी का वेट पड़ रहा है वो फोर्स ही तो है, ग्रेविटी की वजह से लगने वाला वो क्या है, वेट ही तो है। तो इसका जो वेट पड़ रहा है, देखो सुजैन ये जो इसका वेट पड़ रहा है, क्या वेट का फार्मूला mg जानती हो, नहीं पड़ा, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। बोलो बात समझ आ गई। तो दिस इज द फोर्स, किसका फोर्स है बोलो, यहाँ पर ये मर्करी इस इतना ये एरिया है, ये चीज क्या है बताइए, क्या ये एरिया है इसका, तो ये एरिया हो गया, और इसी तरीके से इसको एरिया भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये मर्करी है। तो इट इज फोर्स इज नथिंग बट इट इज वेट ऑफ मर्करी और अपॉन एरिया, इट इज यही वन एटमॉस्फेयर प्रेशर माना जाए। लेकिन वेट क्या होता है अभिषेक, वैसे तुम ये जानते हो F इज इक्वल टू ma होता है, क्या ऐसा नियम कभी पढ़ा, सेकंड लॉ। और यही जो एक्सीलरेशन है वही ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी है, जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है क्या, एक कुछ और नहीं है, इसी को जी से भी रिप्लेस किया गया ग्रेविटेशनल के चक्कर में, क्योंकि इसी चीज से तो अगर कोई चीज तुम ऊपर से छोड़ दो तो कितने एक्सीलरेशन से नीचे बढ़ती है, हर सेकंड उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुम ए बोलो ये धरती खींच रही है अपने फोर्स से, तो जी भी बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। तो इसलिए वेट को मैं क्या लिख दूं बोलो, एम ए ना लिख के एम जी लिख दूं, इट इज एफ इज इक्वल टू एम जी फॉर ग्रेविटी, ग्रेविटी के लिए इसे ऐसे बोला जाता है। इतनी बात समझ आ गई। और क्या तुमने छोटी क्लास में ये पढ़ा है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, पढ़ा, तो बोलो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो बताओ कि डेंसिटी को डी भी बोल सकते हो, डी बोल दो, इट इज एम बाई बी, तो फिर मास क्या हुआ, मास से क्या चल रहा, तो मास की जगह हम क्या लिखे बोलो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो दैट इज डी वी और जी और अपॉन क्या लिख दिया, यही तो मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, समझ आया। अब ये बात बताओ कि डेंसिटी तुम्हें समझ में आ गई कि डेंसिटी क्या होती है, क्या अभी थोड़ी देर पहले अरविंद ने ये नहीं बताया था मरकरी पानी से 13.6 टाइम्स हैवियर है, सोना 19.8, मरकरी कितनी हैवी है,
तो डेंसिटी, अगर मैं कहूँ मरकरी की डेंसिटी क्या है, और दूसरी चीज मुझे ये बताओ वॉल्यूम क्या होता है। तुम चाहे सिलेंडर का ही वॉल्यूम ले लो, तो सिलेंडर का मैं कहूँ जैसे वॉल्यूम, तो क्या बेस एरिया इंटू हाइट यही वॉल्यूम होता है? बेस एरिया इंटू हाइट, फिर से देख लो, सिलेंडर के वॉल्यूम को देखो, बेस एरिया को क्या कहोगे, क्या पाई आर स्क्वायर, और हाइट एच क्या, तुम्हें ये मालूम है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, तो ऐसा नाइन्थ में भी रहा होगा ना, तो बेस एरिया इंटू, कभी भी किसी भी चीज का करो, तुम क्यूबॉइड का कर लो, तो क्यूबॉइड का बेस एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, और हाइट कितनी होती है एच, तब भी वही आ जाएगा, तुम किसी का भी करोगे यही फार्मूला है, एल बी बेस एरिया है कि नहीं नीचे, और हाइट हर जगह यही फार्मूला लगता है, तो तुम्हें वॉल्यूम समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर दो चीजें, मैं डेंसिटी की जगह क्या लिखूं, 13.6 टाइम्स ऑफ वाटर, तो 13.6 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर, ये किसकी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ मरकरी की है क्या? वॉल्यूम को तुमने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, बोलो, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया को ये माना गया था, और इंटू जी, और अपॉन क्या लिख दिया गया, यही वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सही है, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मरकरी की डेंसिटी को पानी की डेंसिटी से 13.6 कह दिया, वॉल्यूम को बेस एरिया इंटू हाइट कह दिया। अब ए से ए काट दो, अगर ए से ए काट दिया तो अब क्या बचेगा बताइए, दैट इज, क्या तुमको डेंसिटी ऑफ वाटर अभिषेक पता है कितनी होती है? मान लो जैसे तुम्हारे घर के ऊपर पानी की टंकी है, तुमने सही तो बता दिया है कर्स, लेकिन और लोगों को भी इसका मौका दिया जाए, दैट इज वन मीटर, वन मीटर की पानी की टंकी है, उसमें कितना पानी आता होगा, 1000 किलो, कितना पानी आएगा, पानी अगर 1 किलो है तो वही 1 लीटर है, तुम अगर एक रेल नील का पानी का बोतल है और तुम उससे कह दो इसी से 1 किलो आलू तौल दो, तो तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान, क्योंकि पानी के केस में जो 1 लीटर वॉल्यूम है वही 1 किलो है, समझ आया कि नहीं, तो और उसी बोतल में सोना भर दो तो वो 19.8 किलो होगा, उसी बोतल में मरकरी भर दो तो 13.8 किलो होगी, उसके अंदर भरा हुआ मरकरी तुम्हारे घर के सिलेंडर के बराबर होगा, क्योंकि वो 13.6 है, थोड़ा सा भारी ज्यादा होगा बोतल में पानी, तो 13.6 का तुम्हारे सिलेंडर आता है, और 13.6 ये भी 13.6 ही है, सही है, तो मैं क्या कह दूं, तुमने क्या बोला था, बोलो, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये बहुत अच्छा होता है, इन्होंने कहा 1000 किलो पर मीटर क्यूब, बहुत वेरी वाइजली आंसर्ड है, मतलब डेंसिटी का फार्मूला देखो, केजी पर यूनिट वॉल्यूम, तो 1000 किलो इसका मास है, और वॉल्यूम कितना है, 1000 केजी, क्या ये 1 मीटर क्यूब में, तो डेंसिटी सी क्या हुई, बोलो, पानी की डेंसिटी, तुम्हारे घर के ऊपर जो पानी की टंकी है 1 मीटर, इतना होता 1 मीटर, तो उसमें उतनी बड़ी टंकी में 1000 किलो पानी आता है, तो उसकी डेंसिटी क्या हुई, 1000 किलो पर मीटर क्यूब, 1/1/1 है कि नहीं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू करोगे 1 क्यूब, सही है, तो पानी की डेंसिटी है 1000 किलो पर मीटर क्यूब, तो मरकरी की डेंसिटी क्या हुई, 13600 किलो पर मीटर क्यूब, 13600 किलो पर मीटर आ गई मरकरी की डेंसिटी। वॉल्यूम को क्या किया, बेस एरिया इनटू हाइट कर दिया। अब देखो जी की वैल्यू क्या है, बोलो, अच्छा हाइट को क्या लिख दें ताशी, सब कुछ मीटर में लिखना है, बोलो क्या लिखें, 0.76 मीटर, और जी को क्या लिख दें, 9.8, तो 9.8 जी क्या होता है, बोलो, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर, इतनी चीज हो गई, यही 180 है, अगर 1 मीटर से 1 मीटर कट कर दो तो क्या कितने मीटर बचे, देखो 13600 इंटू 0.76 और इंटू 9.8, और हमारे पास अब क्या क्या बच रहा है, केजी अपॉन मीटर स्क्वायर, और मीटर एक और मीटर कट जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर देखे नहीं, अब ये देखो 1 मीटर और कट जाए, और सेकंड स्क्वायर नीचे लिखो,
यही वन एटीएम है। अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.03 इंटू 10^5 आएगा, इसी को पास्कल कहते। तो हमारे चारों तरफ ये जो प्रेशर है वो कितने पास्कल है बताइए, 1.03 × 10^5 पास्कल है। ये क्लास 8 में आपको कैलकुलेट कराएगा, थोड़ा दिखा दें जिससे आपको फिर से एक बार ध्यान आता है ना कि अरे ये तो कर चुके हैं ऐसा होगा। तो फिर फोर्स एंड प्रेशर पढ़ा चैप्टर, तो वहां पे मतलब अभी परसों ही हमारे 8 के बच्चे कैलकुलेट कर रहे थे, तो वही चीजें दिखा देंगे आपको भी पता तो चल जाए नहीं। तो फोर्स एंड प्रेशर ये देखो 225 और फिर इसके बाद कितना है टोटल कितने न्यूटन हुआ, फिर इसके बाद 10^5 हमारे सर के ऊपर प्रेशर है, दैट हैज बीन कैलकुलेटेड। ये सारी चीजें कराएंगे ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर कितना प्रेशर पड़ रहा है तो कितना मास पड़ रहा है ओके। चलो ये देखिए हाउ मच प्रेशर। अच्छा उस क्लास में इतना अच्छे से नहीं बताया गया, उसमें उन्होंने बताया था 1,00,000 है, हमने तुमको कितना फाइनल बता दिया कि 1,00,000 नहीं है, दैट इज 1.03 लाख। तो क्योंकि प्रिसीजन पे अरविंद ज्यादा जाते हैं तो हमने कहा प्रिसाइज चीज होनी चाहिए, सही है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इतना तुमको पता चल गया कि अगर 1 मीटर, तुमने बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताएंगे, तुम ये बताओ अगर तुम 40 किलो के हो अमन तो तुम्हारा वेट क्या है, हाँ 400 न्यूटन, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जी को 10 मानो, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर, पास्कल कुछ नहीं है, पास्कल समझते हो, पास्कल का मतलब है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर हमेशा किसमें होता है, प्रेशर का भी फार्मूला लिखा है, और प्रेशर होता है न्यूटन पर, यही तो पास्कल है, ये न्यूटन में होगा ये क्या है, तो बोलो 1 मीटर स्क्वायर ये एरिया है 1 मीटर बाई 1 मीटर, इस पे कितना प्रेशर लग रहा है एटमोसफेयर का, क्या 1,00,000 न्यूटन, 1,00,000 न्यूटन लग रहा है, और यही इसी पर 1,000 किलो की एक कार होती है, 10 कार रख दो इसी डैश पे, समझो वही उतना तुम्हारे साथ तो वही प्रेशर लग रहा है। अब तुम्हें समझ आ गया, 1 जीरो कम करो ना, जैसे मैं कहूँ तुम 400 न्यूटन का तुम्हारा वेट है तो तुम्हारा मास क्या है, तुम 40 बोल दोगे, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू एमजी है ना, तो फोर्स अगर 400 तो 10 से डिवाइड नहीं करोगे, बात समझ आ गई कि नहीं। तो अब इस पे कितने लाख लग रहा है पर मीटर स्क्वायर, पास्कल कुछ नहीं है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे 1,00,000 न्यूटन, तो वजन कितना हुआ, 10,000 हुआ, इतने बड़े डैश पे 10 कार रख दो, यही तुम्हारे सर पे लगने वाला प्रेशर, वो तो मतलब एरिया के हिसाब से तुम्हारे जितना सर हो उतने जो प्रेशर लग रहा हो, बात समझ में आ गई कि नहीं। अच्छा अब ये तो बाहर का प्रेशर है, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं तुमसे कहूं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वाट, तो तुम क्या कहोगे, इट इज इक्विवेलेंट टू 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मर्करी, समझ आ गई बात कि नहीं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बताइए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये थोड़ा सा हमने तुमको बता दिया, इसको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बता दिया आपको ठीक है, जिससे कि हमें ब्लड प्रेशर समझ में आ जाए। अब देखो ये मुझे बताइए व्हाट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है, इट इज 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मर्करी, इसे मैं 13.6 से मल्टीप्लाई कर दो उतने कॉलम ऑफ वाटर हो जाएगा, तो देखो तो जाएगा कई मीटर बन जाएंगे ना, 10 मीटर में। अब देखो जो तुम्हारे आर्टरी में है कितना प्रेशर, ये बताने जा रहा हूं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक समझो, क्या तुम इसे समझ रहे हो 760 mm कॉलम, मिलीमीटर में बदलो जरा, समझ आई ठीक है, जो इसके अंदर हार्ट ने प्रेशर भेजा, ये आर्टरी है,
तो इसके अंदर बाहर तो 760 mm ही रहेगा MMHG, इसके अंदर 120 mmHG एक्स्ट्रा रहेगा। 760 तो रहेगा, लेकिन अगर वो उससे एक्स्ट्रा प्रेशर रखना चाहता है तो 120 एक्स्ट्रा रखे। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? इफ विद इन द आर्टरी द एक्सेस प्रेशर इज 120 mm। जब तुम्हारी साइकिल होती है तो उसके पास हवा भराने जाते हो तो क्या कहते हैं उससे कि 35 psi रखना पर स्क्वायर इंच। तो तुम्हारी साइकिल के अंदर बाहर से सिर्फ 35 mm ही ज्यादा प्रेशर, ज्यादा नहीं है, यहां तो 120 है। फर्क समझ आया कि नहीं भाई? तुम उससे क्या कह रहे हो साइकिल वाले से कि आगे 30 psi रखो, पीछे 35 रखो। नई साइकिल जो लेके जाता है कहता नहीं हमको घड़ी लगा के ना पवा, ये अभी खरीद के लाए 7000 की है, ऐसे ना भरो हाथ से कुछ घड़ी दिखाओ जरा। सही भाई, ऐसे करते हैं नहीं, स्टाइल लोग दिखाते हैं। जब जाओ दुकानदार कितना समझदार रहते। तो इसमें क्या हुआ बताइए कि व्हाट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब हाई प्रेशर जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या बॉडी में प्रेशर के साथ बढ़ जाएगा? सो द प्रेशर एट आर्टरी, द मैक्सिमम प्रेशर एट आर्टरी इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर, इट इज 120 mmHg एक्सेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना बोल के दिखाओ, ये सही है। जो टेक्निकल टर्म है उसी चीज के बारे में, बहुत इधर उधर की बात मत करो। हमने कहा कितना एक्सेस वायुमंडली दाब है, वैसे तो दबाव कई तरह के होते हैं, हम पर दादी का दबाव है कि शादी कर लो होते दो, ऐसे ऐसे कहानी मत बनाओ, जो चीज पूछी गई वो बताओ। तो व्हाट इज सिस्टोलिक प्रेशर, यानी एट द टाइम ऑफ, जब क्या हो बताओ, एट द टाइम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स द प्रेशर एक्सर्टेड एट आर्टरी इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर एंड व्हेन इट डायलेट्स, फिर वो पीछे भी तो जाएगी तब फिर बहुत कम, लेकिन तब भी प्रेशर रहता है। ऐसा नहीं कि अरे वहां तो वापस जाए तो सब खत्म हो जाए, तब भी 80 रहेगा, दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर। द मिनिमम प्रेशर एट आर्टरी व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट्स, दूर भागेगा कि नहीं, उसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, इट इज 80 mmHg एक्सेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलो बात समझ आ गई? चलो इस चीज को समझें। सो व्हाट इज ब्लड प्रेशर, देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है, द एक्सेस प्रेशर एट विच ब्लड फ्लोज इन अवर आर्टरी इज नोन एज ब्लड प्रेशर। दैट इज सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर इन हेल्दी ह्यूमन, इट इज 120 mmHg by 80 mmHg हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा इन हेल्दी ह्यूमन, इन हेल्दी। व्हाट इज सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, द एक्सेस प्रेशर या मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड ऑन आर्टरी
ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक। किसी को तो लोग कहते हैं बहुत ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, किसी का ज्यादा हाई हो जाएगा तो हार्ट फिर काम करना बंद कर देगा, हार्ट अटैक। इट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। इट इज 120 mmHg एक्सेस देन। तो फिर ये कितना होता होगा उत्तर अंदर में टोटल करके था? 880 होता एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए व्हाट इज डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर द मिनिमम प्रेशर एट वॉल्स ऑफ आर्ट ड्यूरिंग लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेशन या डाइलेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। इट इज 80 mmHg excess than atmospheric pressure। आज शाम की भी क्लास होगी आपकी, देर की नहीं है ना आपकी, दो क्लास 6 से 7:30। Define atmospheric pressure, blood pressure, diastolic pressure. What is range of blood pressure and pulse rate in healthy people? Systemic सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है शिव शर्मा? कुछ अपने ही मन से बता दो, उनको बता देते हो। सिस्टेमिक सर्कुलेशन पल्मोनरी क्या है शिव शर्मा? आप बताइए। ऐसा कुछ नहीं था, बताइए। पल्मोनरी सर्कुलेशन याद कर क्या है पढ़ो उनको। डबल सर्कुलेशन क्या है? भाई रटाने का फर्ज हमारा नहीं, तुम क्या बैठाल के रटाएगी? इतना ही पढ़ रहे तुम रटो ऐसा तुम सोचो, उसका फिर एक्स्ट्रा पैसा दो सर रटवा भी तो बोलो बताओ। डबल सर देन इट मूव्स ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट, सच काइंड ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज
कितना लिखो, सेकंड का आंसर है रेंज है 120 mmHg/80 mmHg, वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हो गया, और 78 पल्स बीट्स पर मिनट, ये पल्स रेट है। आपका कौन सा चैप्टर है फिजिक्स का? लाइट रिफ्लेक्शन, लाइट वाला। और आप लोगों में कौन सा पढ़ाया जाएगा? जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हैं, क्योंकि इनका आपका हर साल अलग अलग रहता है। प्रति आवर्स में ना, कौन से में? सेंटेंस का अलग रहता है, सब जगह लाइट दो फिजिक्स के करने पड़ेंगे। चलो हो गया, अब तो नहीं ले पाऊंगा। चलो और किसमें गिर जाता है? फॉल्स इनटू राइट एट्रियम, बात ना करें, और दाहिने अलिंद में गिर जाता है। यहां से आया नॉन रिटर्न वाल्व, सर कहां गिर गया बताइए? राइट ये वॉल्व है, और ये इसका क्या नाम है, आर्टरीज का नाम, ब्लड का नाम बताना, आर्टरीज के बारे में बताओ, वो आर्टरी का क्या नाम, एक पल्मोनरी को जा रही है ब्लड को, तो दोनों के अलग अलग नाम है कि नहीं? लाइए इस चीज को नोट करो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कहाँ से चल रहा है। Deoxygenated blood, it moves and falls into ना रख देते तो भी सही था, ये कावा जैसे कोई गाय है, कावा कोई ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स, ये क्या करता है, पूरी बॉडी से चलेगा, मूव्स फ्रॉम बॉडी,
अब बॉडी से कहाँ पहुँच जाएगा ट्रू इंफीरियर एंड तो ये बताइए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू मूव्स कहाँ से चलेगा फ्रॉम बॉडी अच्छा अब क्या होगा तो ये इंफीरियर और सुपीरियर वीना कावा चलाओ कहाँ गिर गया जब ये गिर गया आराम तो क्या ये भर जाएगा When it get filled, अब इसके आगे मयंक बताओ क्या होता होगा अब इसके बाद क्या होगा ताशी When it get filled, When it get filled, then right, जो right atrium है वो क्या करेगा राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स देन राइट एट्रियम ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है इसके बाद वो उसके बाद वो उसके बाद वो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुशेस और इस ब्लड को कहां गिराएगा बोलो पुशेस द ब्लड into right ventricle तो यहां से आपने देखा कि राइट एट्रियम में से ब्लड अब कहां गिर जा रहा है राइट वेंट्रिकल तो राइट वेंट्रिकल में गिर गया ठीक है और थ्रू किसके द्वारा राइट स्पीड वॉल एक मिनट तो पुशेस द ब्लड देन राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट होता है और पुश किसको करता है दिस ब्लड टू राइट वेंट्रिकल एंड पुशेस दिस ब्लड थ्रू टू राइट वेंट्रिकल वाया ट्राइकस्पिड वॉल इतनी बात मयंक बोल के दिखाओ जो लिखी गई ये है कि यहाँ आया यहाँ से गया चार चार पॉइंट होंगे पहला पॉइंट होगा कैसे आया कहाँ से आया किसके थ्रू आया और कैसे गिरा उसने छोड़ दिया आना और जाना ये पहला पॉइंट बोलो जरा बहुत अच्छा ताशी जरा रिपीट तो करो पहला पॉइंट बोलो ट्राइकस्पिड वॉल तुमने नहीं बोला इसके द्वारा ही गिरता है बोलो ट्राइकस्पिड वॉल अब दूसरा पॉइंट ये किसमें आ गया नाउ ब्लड इज इन राइट वेंट्रिकल नाउ और क्या होगा इज इन राइट वेंट्रिकल अच्छा इसमें ये गिर रहा है तब तक क्या ये डायलेट कर जाएगा पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ है नाउ इट रिलैक्सेस डायलेट में लिखना चाहो रिलैक्सेस कर देते तो राइट एट्रियम क्या हो गया बोलो रिलैक्सेस और क्या होगा मीन वाइल
जो राइट वेंट्रिकल वो फिल हो जाएगा क्या? तो मीन वाइल राइट वेंट्रिकल गेट फिल्ड विद डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. मीन वाइल राइट वेंट्रिकल गेट फिल्ड विद डी ऑक्सी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल हो चुका है. आगे चंद्रशेखर बोलो क्या होगा? अब ये फिल हो चुका है. ये भी फिल हो गया. बताओ बोलो क्या होगा उत्कर्ष? ये कॉन्ट्रैक्ट होगा. कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स द ब्लड टू लंग्स या पल्मोनरी साइट, वहां भेज देगा. ठीक है, थ्रू पल्मोनरी वॉल वाया पल्मोनरी आर्टरी. तो नाउ राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलो ना, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स ब्लड टू पल्मोनरी साइट. पल्मोनरी साइट में लिखना चाहे तो लंग्स भी लिख सकते हैं. कहाँ भेजा जाएगा? टू लंग्स वाया पल्मोनरी वॉल्व थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. तो पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, इसका क्या नाम है? दैट इज पल्मोनरी आर्टरी. और दैट इज ये क्या है? पल्मोनरी वॉल के थ्रू इसमें चला गया. अब आगे की बात क्या, बात नहीं करो और पे. ठीक है, अब ये चला गया लंग्स में. देयर इट गेट ऑक्सीजनेटेड एट एल्वियोलर साइट. देयर इट गेट एट वहां ये एल्वियोलर साइड पे क्या ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और कम्स बैक. अब कहां आएगा बताइए? एंड कम्स बैक तो ये क्या चीजें बताइए? लेफ्ट एट्रियम बाया अलिंद में गिरेगा किसके द्वारा? पल्मोनरी वेन के द्वारा. लेफ्ट एट्रियम टू पल्मोनरी वेन के द्वारा गिरेगा. ठीक है, पल्मोनरी एंड कम्स बैक टू लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन. When? अब क्या होगा? So, when left atrium get filled. अब ये फील्ड हो गया. जब ये फील्ड हो गया तो क्या होगा बताइए? When left atrium get filled, then left atrium contracts and pushes the oxygenated blood. Left contracts
एंड पुशेस, और पुश करता है, बात मत करो। अरे ये क्या नाम है आपका, देवांश, अभी तो चार मिनट बाकी है, इनके क्लास में भी बात करोगे, अभी तुम्हारे हिस्से का समय नहीं आया ना, तो फिर क्यों एजुकेटेड हो। एंड पुशेस व्हेन लेफ्ट एट्रियम गेट फिल्ड, देन लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुशेस द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुश करता है टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू डाइकस्पिड वॉल, का दूसरा नाम क्या है, मिट्रल वॉल या मिट्रल वॉल, कितनी बात हो जाएगी। अब मान लीजिए ब्लड कहां गिर जाएगा, नाउ इट फॉल्स, तो ऐसे समय में उत्कर्ष क्या होगा, मान लीजिए ऐसे पहले ब्लड भरा था, अब इसमें गिर गया, अब क्या होने वाला है, बता नहीं रहे, तुम ये बता सकते, एक इसमें कोई बताएगा, सिर्फ एक ही बता, ये बता, रिलैक्सेशन। नाउ ऊपर के पैटर्न पे चलो ना, नाउ जब ब्लड भर गया तो क्या होगा, मीटर वॉल के थ्रू इसमें गिर गया, अब चौथा क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस, मीनवाइल ब्लड गेट फिल्ड इन राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल में फिल हो गया, एंड राइट वेंट्रिकल, देन राइट वेंट्रिकल क्या होगा, बोलो, राइट नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड नो, ये सब गलत हो गया, कहाँ कहाँ गड़बड़ है कि नहीं, इसको क्या लिखा जाए, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुशेस, और कहाँ पुश करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, टू बॉडी, बॉडी भी लिख सकते हो या सेलुलर साइड, किसके थ्रू, ठीक है, थ्रू आउर्टा वाया, और किसके द्वारा जा रहा है, आउर्टा, दैट इज मेन आर्टरी, वाया That is aortic wall, ठीक है ना, aortic wall, ठीक है, there it from body it comes back to vein, from body क्या होगा, it comes back to vena cava and cycle get completed. इस तरीके से साइकिल कंप्लीट हो गया, इतना ही रखिए, तो हार्ट का समझ में आ गया आपको, हाँ बोलो, पिछले संडे का, हाँ होगा, दे देंगे, दे देंगे शाम को, थैंक यू सर, वेलकम, एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है, ठीक है, तुम लास्ट क्लास में अदिति नहीं थी, दीदी, दीदी,
ठीक है, अच्छी बात है, घूमना चाहिए। चलो एक मिनट रुको, हाँ बोलो। हाँ थर्ड पेज, हम पूरी बात